डाल दो। साक्षरता, साक्षर किसे कहते हैं? पढ़े लिखे को। अगर कोई व्यक्ति एक मिनट में 20 से 25 शब्द लिख सके और उतने ही पढ़ सके तो साक्षर कहलाता है। साक्षर का मतलब ये नहीं है कि केवल अपना नाम लिख सके, नाम तो लिख ही सकता है। अब किसी का नाम ममता है तो इतना ही तो करना है, तो ये साक्षर हो गया है। क्या लाइनें खींची, इसको घुमा के इधर मिलाया, इसको यूं किया और यूं किया, ममता हो गया, ये साक्षर नहीं है। एक मिनट में, ये यूएनओ की परिभाषा है, एक मिनट में लगभग 20 से 25 शब्द पढ़ सके, धीरे धीरे पढ़ ले और उतने ही लिख सके, बोले तो वो लिख ले, तो क्या कहलाएगा? साक्षर कहलाएगा। राजस्थान की साक्षरता कितनी है? 66.1% टोटल, टोटल साक्षरता। तो लिखो, राजस्थान की कुल साक्षरता 66.1% कितनी? 66.1% ये कई बार पूछा हुआ है। गांवों में साक्षरता 61.4%, गांवों की कम है। ग्रामीण साक्षरता 61.4% ग्रामीण साक्षरता 61.4% है। ये नगरों की, शहरों की, शहरों की साक्षरता 79.7%। ये पूछा हुआ है 66.1 पूछा हुआ है, 61.4 ये भी पूछा हुआ है, ये कभी नहीं पूछा हुआ। यानी राजस्थान की टोटल साक्षरता की तुलना में ग्रामीण साक्षरता कम है। अब लिखो, सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले आराम से देखना है, देखो कल मैंने बताया था चार जिलों का विशेष ध्यान रखना है। किस किस का? कोटा का, जयपुर का, सीकर का, झुंझुनू का और जालौर, इन चार का विशेष। साथ में अगर ध्यान रखना चाहो और तो आप प्रतापगढ़ का ध्यान रख सकते हो, बाड़मेर का ध्यान रखना है, सिरोही का ध्यान रखना है, जैसलमेर का, यानी सर्वाधिक झुंझुनू में, झुंझुनू की 74.1 है और कोटा की 76.6 है। हाँ, पुरुषों की झुंझुनू जाता है 86.9 है, इसमें 86.3 है, ज्यादा अंतर नहीं, 0.3 का ही अंतर है। तो लिखो, पहले लिखो सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले, सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले, कोटा,
साक्षरता वाले जिले। कोटा क्षेत्र पॉइंट छ। अच्छा क्षेत्र पॉइंट छ। नहीं टोटल है दोनों मिलाकर के, दोनों मिलाकर। फिर दूसरे स्थान पर जयपुर है 75.5। जयपुर 75.5। फिर झुंझुनू 74.1। चौथा पॉइंट एक। और उसके बाद सीकर 71.9। यानी ये सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले चार। कोटा, कोटा के बाद जयपुर जाएंगे। अगर कोटा से आदमी के मैं जाऊंगा बसने के लिए तो कहाँ बसेगा वो, जयपुर ही बसेगा। कोटा आदमी कहाँ जाएगा, जयपुर। झुंझुनू सीकर पड़ोसी है, तीन तो पड़ोसी हो गए। जयपुर की साक्षरता इसलिए है क्योंकि राजधानी क्षेत्र है। कोटा की साक्षरता ज्यादा क्यों है, कोई इसके पीछे लॉजिक नहीं है। शिक्षा की नगरी कहलाती है, कोचिंग की वजह से। कोचिंग को हटाओ वहां से कुछ नहीं बचता पीछे। दूसरे लोग आकर जाकर बसे हैं। कुछ तो बेटा बेटा कोचिंग कर रहा है तो बाप माँ बाप दोनों वहां जाकर बस गए। हाँ नहीं सीकर में तो फिर भी एजुकेशन सेंटर हैं, काफी स्कूल हैं, बड़ी बड़ी स्कूल हैं। लेकिन यहाँ कोटा में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, कोचिंग के अलावा कोटा में कुछ भी नहीं है, ज्यादा नहीं है। जैसे सीकर में स्कूल है ना बड़ी बड़ी, अरे बहुत बड़ी अच्छी अच्छी जैसे जो बड़े जो अमीर उद्योगपति हैं उनकी स्कूलें चल रही है, उनकी स्कूलें। यहाँ ऐसे कुछ नहीं है कोटा में, झुंझुनू में भी है सीकर में भी है। यहाँ तो होना एक अलग तर्क है कि हाँ यहाँ इसकी वजह से। जयपुर में राजधानी है इसलिए। हाँ इसलिए तो पुरुष साक्षरता में 6.9, इसके 6.3, तो पुरुष ज्यादा आ गए। सीकर का, सीकर भी तो स्थान है, चौथे स्थान पर है। यानी जो पहले चार है ना टोटल में, पहले चार जिले और पुरुषों में पहले चार जिले यही है। नहीं ऐसा नहीं, पुरुष साक्षरता के प्रथम चार जिले यही में, यही है चारों चार। क्रम चेंज हो गया, क्रम चेंज हो जाएगा और टोटल में चार है ये। अब देखो नेक्स्ट, देखो न्यूनतम साक्षरता वाले जिले। न्यूनतम साक्षरता वाले जिले जालोर, जालोर जालोर की जो साक्षरता है वो 54.9%। जालोर 54.9%।
54 पॉइंट 9 जालोर, फिर सिरोही 55 पॉइंट 3 फिर प्रतापगढ़ 56 56 प्रतिशत प्रतापगढ़, फिर बांसवाड़ा 56.3 प्रतिशत, 56.3 प्रतिशत, यानी न्यूनतम में दो पड़ोसी जिले आ गए, ये जालोर का ध्यान रखना ही है, न्यूनतम सिरोही पास में आ गए हैं और एक प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा नजदीक आ गए। इसके अलावा और लिखो तो फिर बाड़मेर है, जैसलमेर है, लेकिन थोड़ा आइडिया रहे कि हाँ ये जो बॉर्डर वाले जिले हैं ये न्यूनतम वाले हैं। गुजरात के बॉर्डर वाले जिले हैं ना, ये न्यूनतम साक्षरता वाले। सारे के सारे लगभग न्यूनतम में ही आ रहे। देखो बांसवाड़ा 56.3 है, डूंगरपुर 59.5 है, सिरोही 55.3 है, ये 54.9 है, ये 56.5 है, ये 57.2 है। बाकी फिर इधर से आगे चलेंगे तो ज़्यादा हो जाएगी। ऊपर ही देख लो उदयपुर का 61.8 है, ये भी बॉर्डर वाला है लेकिन 61% है। फिर राजसमंद का 63 हो गया, पाली का 62 हो गया, जोधपुर का 65 हो गया, नागौर 62 है, बीकानेर का 65 है। फिर ऊपर जाएंगे तब साक्षरता बढ़ेगी, 69 हो गया गंगानगर का, 67 हनुमानगढ़ का है। यानी जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इधर जाएंगे साक्षरता बढ़ेगी। तो न्यूनतम वाले कौन है? जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, इतने ही ध्यान रखना। अब लिखो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले, पुरुष साक्षरता वाले जिले, न्यूनतम सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले कौन से थे? जयपुर, कोटा, जयपुर, झुंझुनू और सीकर, यही थे हा? अब देखो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता में झुंझुनू, कोटा, जयपुर और सीकर, यानी झुंझुनू जो तीसरे स्थान पर था पुरुष साक्षरता में पहले स्थान पर आ गया। पहला लिखो झुंझुनू, दो नंबर पे कोटा, तीन पे जयपुर और चार पर सीकर। लिखोगे झुंझुनू का? लिखो 86.9 झुंझुनू का प्रतिशत, 86.9 कोटा का लिखोगे तो 0.3 कम कर दो, 0.6 कम कर, 86.3 कोटा की। जयपुर का 86.1 और सीकर का 85.1, 86.1
सीकर का 85 एक, हाँ थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, 285 के 286 के, एक में 6 का अंतर है, 0.6 का, एक में 1 का ही अंतर है, ये 86 है और ये 86 3 है, ये 86 1 है, 2 का अंतर, फिर यहाँ से यहाँ पूरा 1% का अंतर है। अब लिखो न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जिले, पुरुष साक्षरता वाले जिले न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जिले, अब जो न्यूनतम साक्षरता वाले जिले थे वही चार जिले आगे पीछे हो रहे। न्यूनतम साक्षरता वाले जिले कौन से थे? जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। अब क्या करना है? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही, जालोर। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा साथ में ही है दोनों, दोनों का प्रतिशत एक ही है, 69.5। किसका? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। इसके आप महिला कर रहे हैं ना, पुरुष न्यूनतम कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, दोनों का एक ही है 69.5। सिरोही का 70, हाँ? क्या हुआ? सेम ही है तो दोनों की 69.5, दोनों की इक्वल है। और सिरोही की 70, जालोर की 70.7, जालोर की 70.7, ये दोनों बराबर हैं, इसमें इसमें 0.7 का अंतर है, इसकी 70 है, यानी पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता जालोर की कम थी, पुरुष साक्षरता सिरोही की कम है, ध्यान रखना। महिला साक्षरता में कम कौन है? जालोर। और पुरुष साक्षरता में कम कौन है? सिरोही, ध्यान रखना। तो अभी तक तो लगभग एक जैसे ही हो रहे हैं, चार जिले ये हैं और चार जिले ये, वो आपस में ही रैंक चेंज कर रहे हैं। हाँ अब इसमें ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। लिखो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले, कोटा, जयपुर, झुंझुनू, पहला कोटा, दूसरा जयपुर, वो जो सर्वाधिक वाला आ गया ना, सर्वाधिक पुरुष सर्वाधिक साक्षरता कोटा की पहली, दूसरी जयपुर की थी, तीसरी झुंझुनू की थी, तभी तो सर्वाधिक हो रही है, क्योंकि आप ओवरऑल भी सर्वाधिक थी और उसी में पुरुष भी सर्वाधिक है यहाँ पर चारों में, और महिलाएं भी चारों में सर्वाधिक है। अब जो चौथा स्थान है वो सीकर का नहीं है, चौथा गंगानगर का, चौथा स्थान लिखो गंगानगर का,
चौथा किसका है? गंगानगर का। अब कितना है परसेंटेज लिख लो, थोड़ा कोटा का लिखो 65.9, 65.9। हाँ जयपुर का 64, झुंझुनू का 61 और गंगानगर का 59.7। हाँ आगे समझ में, याद करने की जरूरत नहीं है, दिमाग के अंदर सेट करना है। सर्वाधिक साक्षरता, तीन कैटेगरी तो एक ही जिले में, तीन कैटेगरी कौन कौन सी? सर्वाधिक साक्षरता, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता और सर्वाधिक महिला साक्षरता, केवल गंगानगर चेंज हुआ है। कोटा याद रखना है, ये दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान ये बेचारा न्यूनतम ही है, ये छोड़ दे पूरा न्यूनतम, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़े, थोड़ा हाँ थोड़ा कि भाई कोटा है तो कि पुरुष साक्षरता पुरुष ना ओवरऑल कोटा, महिला साक्षरता कोटा फर्स्ट, पुरुष साक्षरता में झुंझुनू क्यों है? झुंझुनू क्योंकि सारे फौज में जाते हैं तो पढ़ लिख जाते, क्या कम कम दसवीं तो पास करेंगे, करेंगे दसवीं बारी तो पढ़ेंगे, दसवीं पढ़ ले फौज में और चला जाएगा, इसलिए पुरुष साक्षरता ज्यादा हो। महिला साक्षरता में कोटा है, अब लिखो न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले, न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले, जालौर एक नंबर पे, न्यूनतम में जालौर के, जालौर का परचम है, अधिकतम में कोटा का है, कोटा दो में अधिकतम है, दो फर्स्ट है, जालौर भी दो में फर्स्ट है, जालौर 38.5% प्रतिशत लिख लेना, 38.5%, जैसलमेर 39.7%, बाड़मेर 40.6%, दूसरे नंबर पे, हाँ मैं लाइन से करा रहा हूँ, पहला जालौर, दूसरा जैसलमेर, तीसरा बाड़मेर, चौथा प्रतापगढ़, बाड़मेर 40.6% और प्रतापगढ़ 42.4%, प्रतापगढ़ 42.4%, क्या कर रहे हैं अपन? साक्षरता ध्यान रखना, तो साक्षरता में ज्यादा दिक्कत थी क्या? नहीं थी, आठ जिले ध्यान रखने, अब नौ जिले, कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, गंगानगर,
गंगानगर एक में ही है चौथे स्थान पर सर्वाधिक महिलाओं में, गंगानगर की महिलाएं साक्षर होशियार भी होती है, इंटेलिजेंट भी होती है, तेज भी होती है ना, उस्ताद होती है, नहीं होती क्या? बहुत ही, अरे जबरदस्त। और सबसे बड़ी बड़ी महिलाएं कहाँ की बताएं? बीकानेर की। हाँ नहीं दीदी होती है, या फिर जोधपुर के इंटेलिजेंट लोग। तुम देखो कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर और गंगानगर, ये सर्वाधिक वाले। न्यूनतम वाले जालौर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही। परसेंटेज जालौर का पूछ सकते हैं, कोटा का पूछ सकते हैं। जो फर्स्ट है ना, ये जालौर दो में फर्स्ट है पूछ सकते हैं, कोटा दो में फर्स्ट है पूछ सकते हैं, परसेंटेज पूछ सकते हैं। बाकी जिले पूछ सकते हैं, जिलों में दो दो के जोड़े पूछ सकते हैं कि महिला की न्यूनतम और अधिकतम साक्षरता वाले जिला समूह में कौन सा सही है। महिलाओं की अधिकतम और न्यूनतम तो अधिक दोनों एक साथ, तो महिलाओं की अधिकतम कहां पर? कोटा में, और न्यूनतम जालौर में, ऐसे साथ। हाँ उसमें भी आगे पीछे हो जाएगा, पूछ ले कि न्यूनतम और अधिक, क्रमशः न्यूनतम और अधिकतम साक्षरता वाले जिले महिलाओं की, क्रमशः पूछ लिया और वहां पर ऑप्शन में क्या हुआ, वहां क्रमशः क्या होगा, कोटा भी होगा, जालौर भी होगा, जालौर भी होगा, कोटा भी होगा। एक एक ज्यादा पूछ ले तो पूछ ले, दो सत्ता ही पेपर आएगा बिल्कुल, समझ गए। अब देखो संभाग, देखो जितने भी संभाग हैं, अब ये वाला हिस्सा देखो, टोटल साक्षरता ये तीनों जिले लगभग पास पास है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, 70 के आसपास, कोई 70 से थोड़ा सा ऊपर है, 70 से थोड़ा सा नीचे, 70%। ये हो ही गए, ये 12-66 है, झालावाड़ 61 है, कोई काउंट नहीं होते, अजमेर 69 है, 69%। कुछ जिलों के लिखो नाम, देखो कुछ साक्षरता वाले जिले का और लिखो। अजमेर की 69.3, अजमेर की साक्षरता 69.3, हनुमानगढ़ की 67.1, 7.1, 67 यानी 67.1, देखो अजमेर की कितनी लिखाई मैंने, 69.3 लिखाई, तीन लिखाई ना, धौलपुर की भी 69.1% है, कितनी है 69.1, लिख लो धौलपुर लिखो, क्यों, क्योंकि देखो नजदीक नजदीक है। कभी कभी क्या करते हैं कि वो चार जिले ऐसे ही दे देंगे कोई भी, और कह देंगे निम्नलिखित में से सबसे कम साक्षरता किसकी है या सबसे अधिक साक्षरता किसकी है, लेकिन उसमें अधिकतम न्यूनतम में ये जिले आ जाते हैं कोई न कोई।
भरतपुर और धौलपुर की जो महिला साक्षरता है वो 54.2 और 54.7 पास पास में, पड़ोसी है तो लगभग 0.5 के अंतर है। देखो भरतपुर की साक्षरता चौपन पॉइंट दो और धौलपुर की 54.7। चौपन पॉइंट सात किसकी? धौलपुर की। अब अगर प्रश्न आ जाए कि सर्वाधिक साक्षर संभाग कौन सा है, सर्वाधिक साक्षर संभाग कौन सा है? कोटा होगा, कंफर्म है? कोटा, गलत हो गया। तो कोटा की 86 टोटल में, टोटल में टुकड़ 76, 12 की 66, झालावाड़ की 61, बूंदी की 61, ठीक है, जयपुर की 75, झुंझुनू की 74, सीकर की 71, अलवर की 70, कोटा के संभाग, तो संभाग तो सारे जिले होंगे तभी तो होंगे ना। हाँ लिखो सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग, सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग। जयपुर, सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग कौन सा है? जयपुर। अब न्यूनतम पूछ ले तो न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग, देखो जोधपुर संभाग है, जैसलमेर कम में है, बाड़मेर कम में है, जालोर कम में है, सिरोही कम में। अब अकेला जोधपुर खुद और पाली, ये पूरा जोधपुर संभाग हो गया, ये कम में है। उदयपुर संभाग में देख लो दो कम में आ रहे हैं, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, बाकी सब ज्यादा में आ रहे हैं। ये अगर ओवरऑल देखें तो एक भी 57 से ज्यादा नहीं है, इन दो को छोड़कर, जोधपुर और पाली को छोड़कर, दो को छोड़कर। और ये यहां पर प्रतापगढ़ में 56 है, बांसवाड़ा में 56 है, डूंगरपुर में 59 है, उदयपुर में 61 है, राजसमंद में 63 है। तो न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग कौन सा हुआ? जोधपुर हुआ ना। ये चार जिले अपने देखे और एक भी 57 से ज्यादा नहीं है, ठीक है, 57 से ज्यादा नहीं है, 57 है अधिकतम, फिर 54 है, 56 है, 54 है, 55 है, और यहां पर एक भी 57 से कम नहीं, 56 से कम नहीं है, 56 से ज्यादा ही है। लिखो न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग जोधपुर, जिसमें चार जिले न्यूनतम है,
चार जिले न्यूनतम है, चार जिले न्यूनतम साक्षरता वाले हैं। कौन कौन से चार जिले न्यूनतम साक्षरता वाले हैं? कौन सा टॉपिक कर रहे हैं अपन? हाँ, साक्षरता का। तो ये तो थोड़ा अपन देख लिया कि कहीं बड़े एग्जाम में पूछ ले, लेकिन आपको तो केवल झुंझुनू, सीकर, जयपुर, कोटा, जालौर, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, जैसलमेर, बाड़मेर, इनका ध्यान रखना है अधिकतम का। चलो अब नेक्स्ट लिखो। हाँ, साक्षरता हो गया। लिंगानुपात नहीं, अपन को जनजातियां करनी, अनुसूचित जातियां और जनजातियां, हेडिंग डाल दो अनुसूचित जातियां और जनजातियों की जनसंख्या, अनुसूचित जातियां और जनजातियों की जनसंख्या। अनुसूचित जनजातियां और अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां। सर्वाधिक आदिवासी किस जिले में? अब आदिवासी दो प्रकार से हैं, एक तो संख्या की दृष्टि से और दूसरी प्रतिशत की दृष्टि से। संख्या की दृष्टि से उदयपुर, प्रतिशत की दृष्टि से बांसवाड़ा। देखो, सर्वाधिक जनजातियों वाला जिला है उदयपुर, संख्या में, संख्या की दृष्टि, ब्रैकेट में लिख लेना, संख्या की दृष्टि से, संख्या की दृष्टि से और दूसरा लिखो सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों वाला जिला, ब्रैकेट में लिख लेना, प्रतिशत की दृष्टि से, सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों वाला जिला प्रतिशत की दृष्टि से। बांसवाड़ा, यद्यपि यहां से कभी प्रश्न नहीं आया, नहीं पूछा, ये जरूर पूछा बीकानेर का, बीकानेर का पूछा हुआ, और गंगानगर का, ये दोनों साथ में पूछे हुए जोड़े में, कि न्यूनतम अनुसूचित जनजाति और सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले जिले कौन से, दो पूछ ली, एक न्यूनतम आदिवासी कहाँ रहते हैं और एक है अधिकतम जनजाति, अधिकतम अनुसूचित जाति कहाँ रहते हैं। तो यहाँ सर्वाधिक आदिवासी यानी सर्वाधिक जनजाति उदयपुर में, संख्या की दृष्टि से, प्रतिशत की दृष्टि से बांसवाड़ा में, और न्यूनतम जनजाति वाला जिला बीकानेर। देखो, न्यूनतम जनजाति वाला जिला बीकानेर, संख्या की दृष्टि से, न्यूनतम जनजाति वाला ब्रैकेट में लिख लो, संख्या की दृष्टि से
न्यूनतम जनजाति वाला जिला? कौन सा है? बीकानेर। और न्यूनतम जनजाति वाला जिला प्रतिशत की दृष्टि से? नागौर। नागौर देखो, न्यूनतम जनजाति वाला जिला ब्रैकेट में लिख लेना प्रतिशत की दृष्टि से, कौन सा? नागौर। और ये जोड़ा बना करके, इन दोनों का जोड़ा बना करके कॉलेज लेक्चरर में एक प्रश्न पूछा हुआ, ये जोड़ा बनाया, जोड़ा क्या बनाया कि अधिकतम अनुसूचित जाति और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला, वहां प्रतिशत वगैरह कुछ नहीं दिया, और जो मिलान वाले जोड़े थे उसमें यही जोड़ा एक सही था, बाकी बीकानेर और ऑप्शन में साथ में नहीं थे। तो दूसरा लिखो, समझ में आ गया ना? यानी सर्वाधिक आदिवासी कहाँ रहते हैं, ओवरऑल देखें तो उदयपुर में रहते हैं, और सबसे कम कहाँ रहते हैं, बीकानेर में रहते हैं, ओवरऑल सामान्य भाषा। प्रतिशत में सबसे ज्यादा बांसवाड़ा में, प्रतिशत में बांसवाड़ा में रहते हैं, और प्रतिशत में कम कहाँ रहते हैं, नागौर में रहते हैं। नागौर में जनजातियां नहीं मिलेगी, बीकानेर में कहाँ जनजातियां? फिर भी बीकानेर के टोटल जिले की देखें ना तो पिछली गणना के अनुसार 7.7 लाख जनसंख्या है, कितनी सारी पूरे बीकानेर को मिला गाँव में वगैरह शहर में नहीं। फिर लिखो, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला ब्रैकेट में प्रतिशत लिख लेना, प्रतिशत लिख लेना। वैसे वहां पर जब भी पूछा हुआ प्रतिशत का नहीं पूछा, उन्होंने अधिकतम और न्यूनतम के दो जोड़े बना दिए, अधिकतम और न्यूनतम के, प्रतिशत वगैरह ऐसा कुछ नहीं पूछा हुआ। ये भी जब पूछा तो सीधा सीधा पूछा, ये पूछा तब सीधा सीधा। तो गंगानगर फिर लिखो, न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला डूंगरपुर। न्यूनतम अनुसूचित जाति, हाँ, न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला नहीं पूछा है, जब भी पूछा एक तो ये पूछा हुआ है, एक ये पूछा हुआ, दो ही पूछे हुए, बाकी सिंगल में पूछ ले कहां पर जनजातियां ज्यादा हैं, कहां पे कम है। ये अपन ने कर ही लिया, जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम किसकी रही, किसकी रही है सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर, भूल गए क्या? सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किसकी हुई, किस जिले में हुई, और न्यूनतम किस जिले की हुई, बाड़मेर में सबसे ज्यादा, और न्यूनतम गंगानगर की।
गंगानगर की, जैसलमेर दूसरे स्थान पर है। जो अनुसूचित जनजाति हैं, वैसे पूछा हुआ नहीं है कभी, नहीं कभी पूछने वाले हैं, एक नोट करके लिखो। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के लिंगानुपात वाला जिला, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के लिंगानुपात वाला जिला, जनजाति का लिंगानुपात वाला जिला, डूंगरपुर। कौन सा है? डूंगरपुर। और न्यूनतम धौलपुर। न्यूनतम धौलपुर, और वैसे भी न्यूनतम में धौलपुर का ही नाम है। किया था ना, न्यूनतम में किसका नाम है? धौलपुर का नाम। ये था अपना जनसंख्या वाला, पुराने पेपर उठा के देखना, यहीं से प्रश्न पूछे हुए। एक थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, अपन जनजातियां वाला, जनजातियां की थी ना तब किया था, कि सर्वाधिक जनजातियां किन किन जिला समूहों में, आप पूछ ले कि दिए गए विकल्प में से किस विकल्प समूह में जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है। जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि उसमें उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बारा, झालावाड़, इनके साथ कोई भी जिले हो वो ऑप्शन सही हो जाए। इनके साथ उदयपुर नहीं आएगा, जयपुर नहीं आएगा उसमें ऑप्शन, क्योंकि जयपुर कोई आदिवासी बाहुल्य जिला थोड़ी है। ठीक है, मीणा रहते हैं वहां पर, मीणा रहते हैं, वो आकर बसे, लेकिन आदिवासी जिला थोड़ी है जयपुर। आदिवासी जिले कौन से? ये जिले हैं आदिवासी, ये आदिवासी जिला नहीं है जयपुर। सभी जातियों के लोग वहां आकर पढ़ने के लिए रहे और वहां रह गए, या किसी काम से आ गए और वहां के निवासी हो गए, तो ये थोड़ा ध्यान रख। प्रश्न क्या आएगा, एक प्रश्न लिखो, देखो कैसे आएगा, लिखो। निम्नलिखित जिला समूह में, जिला समूह में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती है, जनजातियां निवास करती है। तो जब ऑप्शन आएगा तो ऑप्शन में कौन कौन सा ऑप्शन को आपको ध्यान रखना है? उदयपुर का ध्यान रखना, उदयपुर जिस ऑप्शन में हो, लेकिन उदयपुर के साथ बांसवाड़ा होना, एक और चित्तौड़गढ़, देखो उदयपुर, उदयपुर के साथ बांसवाड़ा होना चाहिए। देखो देखो, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, दो होने चाहिए।
उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के साथ प्रतापगढ़ शामिल है, चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ लिख लो। ये क्रम इन क्रम में होने चाहिए कहीं। 12 झालावाड़, 12 झालावाड़, ये क्रम होने चाहिए। इस क्रम में देखना है कि आपको कौन कौन से जिले इसमें आ रहे हैं। जैसे जैसे मान लो उदयपुर दे दिया, ठीक है, डूंगरपुर दे दिया, चित्तौड़गढ़ दे दिया, एक ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन में उदयपुर दे दिया, 12 दे दिया, झालावाड़ दे दिया, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला वाला, क्योंकि उदयपुर सर्वाधिक आदिवासियों की संख्या, बांसवाड़ा सर्वाधिक प्रतिशत वाला, तो ध्यान रखना। चित्तौड़गढ़, ये जो चित्तौड़गढ़, उदयपुर का कुछ हिस्सा, बांसवाड़ा कुछ हिस्सा, डूंगरपुर का कुछ हिस्सा, ये किस में आते हैं? प्रतापगढ़ का कुछ हिस्सा किस में आते हैं? टीएसपी में आते हैं। टीएसपी मतलब ट्राइबल सब प्लान, जनजाति उप योजना के अंतर्गत। जब भर्ती निकलती है तो आता है ना अलग से ऑप्शन, ध्यान नहीं दिया कभी। टीएसपी के लिए अलग भर्ती, पेपर भी टीएसपी के लिए अलग होता है। पेपर वही होता है, पेपर वही होता है, ऊपर लिखा होता है टीएसपी एरिया के लिए। इसका मतलब पुराने पेपर देखे नहीं है, लिखा हुआ तो ऑप्शन टीएसपी नॉन टीएसपी के। तो ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया।